दोस्तों जब आप अपने फ्लिपकार्ट में जाते होंगे और यहाँ पे आपको माई ऑर्डर का ऑप्शन नहीं मिल रहा होगा, ठीक है, इस पर ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो बन चुकी हैं। यहाँ पे मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा आपको वो ऑप्शन कहाँ मिलेगा, कहाँ पे फ्लिपकार्ट ने उसे एडजस्ट कर दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बिल्कुल यहाँ से बाहर निकलना है फ्लिपकार्ट से, और यहाँ पर आपको अपने प्ले स्टोर में जाके यहाँ फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन को अपडेट कर लेना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपने अपडेट कर लिया होगा तो चेंज तो हो गया होगा। तो अपडेट करने के बाद दोस्तों आपको एक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को दबा देना होगा, और सबसे पहले आपको अपने फ्लिपकार्ट पे क्लिक करना होगा। फ्लिपकार्ट पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपको नीचे की तरफ होम, कैटेगरीज, नोटिफिकेशंस, अकाउंट और कार्ट बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलता है चौथे नंबर पे अकाउंट का, ठीक है। तो अकाउंट पे आप क्लिक करेंगे, जैसे आप अकाउंट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको एक तो ऊपर आपकी जो भी अकाउंट की इन्फॉर्मेशन होती है वो शो हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे फ्लिपकार्ट प्लस और उसके बाद होता है माई ऑर्डर्स, ठीक है। तो व्यू ऑल ऑर्डर्स इस पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं आपका जितना भी फ्लिपकार्ट का जो ऑर्डर आपने लगाया है, ठीक है, ऑर्डर जितना भी है, ऑर्डर हिस्ट्री जो भी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी सब शो हो जाएगी, आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने सिस्का एलईडी सिस्का की एक वेंट्री अभी परचेस की है, ठीक है, फ्लिपकार्ट से, यहाँ आप देख पा रहे हैं ये शो हो रही है, ठीक है, इस तरीके से। दोस्तों इसी तरीके से आप फ्लिपकार्ट का जो माई ऑर्डर वाला सेक्शन है, ऑप्शन है, वो गायब हो गया है, वो इसी तरीके से आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना होगा, और आपका कोई भी सुझाव हो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। जय हिंद।